अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स और टॉपिक है हमारा नंबर्स। एक्सरसाइज 1A हमने स्टार्ट की हुई है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द गिवन नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इन वर्ड्स। इनको पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है और फिर इनको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, हम देखोगे आपसे थोड़ी सी यहाँ वर्ड्स आने। पहले इनको प्लेस वाले चार्ट में लिखना है, ये जो बनाया हुआ है हमने, ठीक है। और फिर इसके बाद इनको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। जैसे ए से लेके, तो इससे पहले जितने भी पार्ट्स थे ई तक, वो हमने कर लिए थे, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ये 5 पार्ट्स हमने कल कर लिए थे, आज जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो करेंगे हम। तो फर्स्ट वाला है, ये नंबर एफ वाला पार्ट है 438। अब 438 को पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है, फिर इसको वर्ड्स की फॉर्म में यहाँ लिखना है। तो 438, अब सबसे पहले हम यहाँ से इजीली स्टार्ट करते हैं ताकि हमें कोई मसला ना हो। 8 जो है वो यहाँ से, ठीक है, 8 यहाँ से वांस पोजिशन में। इसके बाद आगे 3 है, 3 को यहाँ 10th पोजीशन में। फिर आगे 4 है, 400 पोजीशन में आ गया। और 4 के बाद कोई डिजिट नहीं ना हमारे पास, तो 1000 और 10000 में कोई भी डिजिट नहीं आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 438, यानी कि 4 टेंस है इसके अंदर, सॉरी 400 है, 3 टेंस है और 8 वंस है इस नंबर के अंदर, ठीक है। अब इसको हम वर्ड्स की फॉर्म में यहाँ लिखेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास वर्ड की फॉर्म में, 400 and 38, ठीक है। अब आगे जी पार्ट देखें, 84,598। अब हमने यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू चार्ट है, हर एक डिजिट को एक एक बॉक्स के अंदर फिल करना होता है। यानी आपने करना कि 98 है तो 900 दोनों को यहाँ कर देना, वन बॉक्स के अंदर वन डिजिट, ठीक है। अब सबसे पहले 8 यहाँ आ गया, 8 के बाद क्या है, 9, फिर 5, आगे 4 और 8। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर 10,000 कितने हैं, 8,000 कितने हैं, 400 कितने हैं, 5 टेंस कितने हैं हमारे पास यहाँ, 9 और 1 कितने हैं, 8। अब इस नंबर को अगर हम रीकाउंट करें तो आएगा 84,598, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 84,598। अब इसके बाद आगे एज वाला पार्ट है हमारे पास, उसको अब हम करेंगे कि उसके अंदर वन टेंस और थाउजेंड्स जो हैं वो कितने दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 99,999। अब फिर हम अगेन वन वाली साइड से करेंगे 9, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके थर्ड वाला 9, आज फिर 9 है और उसके बाद फिर 9 है। यानी कि हर एक डिजिट को हमने एक एक बॉक्स के अंदर लिख लिया, तो हमें पता चला कि इसके अंदर 10,000 कितने हैं, 9, थाउजेंड्स कितने हैं वो भी 9, हंड्रेड कितने हैं, 9, टेंस कितने हैं, 9, और वंस कितने हैं इसके अंदर, वो भी 9 है। अब हम इस डिजिट को, इस नंबर को क्या करेंगे, वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, ये 99,000
99,999. Okay, क्या आ गया हमारे पास यहाँ नंबर जिसको हमने वर्ड्स में लिखा है 99,999. ठीक है, तो आज हमने पार्ट एफ जी और एच जो क्वेश्चन नंबर 1 के थे वो सॉल्व किए हैं। अब आपने क्या करना है, सेम एज ऐसे ही अपनी नोटबुक्स पर ये बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के साथ साथ फिर इनको जिस तरह से यहाँ सॉल्व हुए हैं वैसे ही आपने भी सॉल्व करने हैं तीनों पार्ट्स। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला हम आगे से अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। थैंक यू।